गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू वुड बी फाइन एट होम. स्टूडेंट्स, टुडे यू विल लर्न अबाउट कीबोर्ड एट अ ग्लिंस. सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कीबोर्ड के बारे में जानेंगे, उस पे कौन कौन से कीज होते हैं और कौन से कीज का क्या कार्य होता है, उन सारी चीजों के बारे में आज हम लोग जानेंगे. पढ़ने से पहले कुछ जो इसके वर्ड मैंने उसको देख लेते हैं. तो फर्स्ट है आपका एरेंज, मतलब सजाना या व्यवस्थित करना. एबिलिटी मतलब योग्यता. एनीथिंग मतलब कुछ भी. नीड मतलब जरूरी. एवरीथिंग मतलब सब कुछ. और ये जो है आपका चैप्टर नंबर 4 है, क्लास पी का. तो स्टार्ट करते हैं. कीबोर्ड इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम. इट इज डिवाइस लाइक अ टाइपराइटर. ये जो आपका कीबोर्ड है वो आपका कंप्यूटर सिस्टम का इंटीग्रल पार्ट है. और ये जिस तरह से आप टाइपराइटर देखे होंगे, जस्ट उसी प्रकार का ये होता है. बिल्कुल टाइपराइटर जैसा देखने में लगता है. लुक एट द पिक्चर ऑफ अ कीबोर्ड इन द गिवन व्यू. आप देख सकते हैं यहाँ पिक्चर में किस तरह का दिखाई देता है. ये आप देख रहे हैं, यही आपका कीवर्ड है. ये जो फोटो दिया हुआ है इसमें सब कीज है. ये आपका अल्फाबेट कीज है, नंबर कीज है, फंक्शन की है, स्पेशल कीज, नंबर लॉक्स कीज, इंटर कीज, एरोस की, शिफ्ट कीज, स्पेस बार कीज, अल्ट कीज, कंट्रोल कीज, शिफ्ट कीज, इतने सारे जिसमें कीज हैं. इन सारे कीज के बारे में हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे. टाइप ऑफ कीज ऑन अ कीबोर्ड. अ कीबोर्ड हैज डिफरेंट सेट्स ऑफ बटन्स ऑन इट. जो कीबोर्ड है उसपे डिफरेंट सेट्स, बटन्स का सेट होता है, उसके बारे में जानेंगे. जैसे आपका अल्फाबेट कीज, तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग अल्फाबेट कीज. तो द कीज दैट मार्क विद द लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट आर कॉल्ड अल्फाबेट कीज. दीज आर यूज टू टाइप लेटर्स, वर्ड, सेंटेंस और पैराग्राफ. These are not arranged in sequence from A to Z on a keyboard. कह रहा है कि जिस तरह से इंग्लिश अल्फाबेट में हम लोग इस्तेमाल करते हैं A to Z लेटर का, उसी तरह से कंप्यूटर में जो कीबोर्ड होता है उस पर ही A to Z जो लेटर्स होते हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं. बट वो आपका सीक्वेंस फॉर्म में अरेन्ज नहीं होता है, वो अलग अलग रहता है. जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो फर्स्ट में आपका Q है, Q W E R T इस तरह से. तो ये सीक्वेंस नहीं है. यहाँ देखें S S, यहाँ A S D F G इस तरह से, तो सीक्वेंस में नहीं होता है. लेकिन 26 इन लेटर्स होते हैं, यानी A to Z. नंबर्स की, सपोज यू वांट टू टाइप अ टेलीफोन नंबर और योर क्लास रोल नंबर, फॉर दिस यू हैव टू यूज नंबर कीज. द कीज मार्क विद द नंबर फ्रॉम 0 to 9 आर कॉल्ड नंबर कीज. दीज आर प्रेजेंट इन द अबव रो ऑफ अल्फाबेट. कह रहा है कि जो नंबर की होता है, जिस तरह से हम लोग कोई मोबाइल नंबर, टेलीफोन नंबर, आपका 10 नंबर्स होता है या रोल नंबर टाइप करने के इस्तेमाल करते हैं, तो उसी तरह से आपका उस पर मार्क रहता है टेलीफोन पे 0 to 9 टेलीफोन पे. उसी तरह से आपका कीबोर्ड पे भी 0 to 9 आपका मार्क किया हुआ रहता है, यानी 10 आपको बटन्स होते हैं जिसको हम लोग नंबर कीज के नाम से जानते हैं. और वो जो होता है, जो अल्फाबेट कीज होते हैं उसके ऊपर में होते हैं या आपको राइट साइड में होता है. यहाँ पे देख सकते हैं फिगर में, ये आपका नंबर कीज है ऊपर, और ये राइट साइड में इस तरह का होता है. यू कैन ऑल्सो यूज द न्यूमेरिक कीज विच इज वन राइट हैंड साइड द कीज बोर्ड. इन ऑर्डर टू यूज न्यूमेरिक की पैड प्रेस द नम लॉक कीज. वन टू इंटर द नंबर द नम लॉक लाइट विल बी टर्न ऑन एट द राइट साइड ऑन द कीबोर्ड. आपको राइट साइड में जो कीबोर्ड दिए होते हैं कि राइट हैंड से आपका वर्क जल्दी कर पाए, इसलिए राइट साइड में भी आपका नंबर्स की देते हुए दिए हुए रहता है. वहां पे ऊपर में नम लॉक का बटन होता है, नम
लॉक का बटन होता है उसको जो ऑन कर देंगे तो इंडिकेट्स आपका जो सिंबल होगा ग्रीन कलर का कीवर्ड मिला वो आपको दिखाई देगा, यहाँ पिन ऑन हो जाएगा और इधर आपका राइट साइड का जो न्यूमेरिक कीज है वो आपको कैच करना शुरू कर देंगे। इसके बाद हम लोग जानेंगे एरोस कीज के बारे में। फोर कीज एट द राइट हैंड साइड द कीबोर्ड मार्क विद द एरो साइन कॉल्ड एस एरोस की और कर्सर कंट्रोल कीज। दीज आर यूज फ्रॉम मूविंग द कर्सर ऑन द स्क्रीन। द फोर कीज एट राइट एरो कीज, लेफ्ट एरो कीज, अप एरो कीज एंड डाउन एरो कीज। आप इस तरह से देखे होंगे कीबोर्ड में जो अप आपका एरोस कीज होता है, डाउन एरो कीज होता है और लेफ्ट राइट इस तरह से आपका फोर आपका एरो कीज होते हैं जिसका इस्तेमाल कर्सर को अप डाउन लेफ्ट राइट मूव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है या गेम खेलने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं डायरेक्शन चेंज करने के लिए। इसके बाद हम लोग जानेंगे स्पेशल कीज के बारे में। सम कीज कैन नॉट फंक्शन बाय द देम सेल्फ इन अ स्टेट विद दे नीड हेल्प ऑफ सम अदर कीज दे आर कॉल्ड स्पेशल कीज। सम ऑफ दिस कॉमनली यूज स्पेशल कीज आर अल्ट एस्केप कंट्रोल होम एटसेट्रा। स्पेशल मतलब खास, तो कुछ स्पेशल कीज होते हैं जो दूसरे कीज के हेल्प के माध्यम से किया जाता है यानी कि उसके साथ साथ और बटन का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आपका अल्ट कीज है, आपका कंट्रोल कीज है, आपका एस्केप कीज है, आपका एस्केप कीज है, फिर आपका टैब है, एंड है, डिलीट है, बहुत सारे कीज है आपको जिसको हम लोग आपको स्पेशल कीज के नाम से जानते हैं। अब जानेंगे हम सबसे पहले इसमें कैप्स लॉक कीज के बारे में। इफ यू टाइप समथिंग इट इज टाइप अ स्मॉल लेटर सो टू टाइप एनीथिंग इन कैपिटल लेटर वी कैन यूज कैप्स लॉक कीज। कह रहा है कि जनरली आप जब कंप्यूटर पे टाइप करेंगे तो वो आपको स्मॉल लेटर्स में टाइप होंगे, बट हमको अगर सेंटेंस या लेटर्स कैपिटल लेटर्स चाहिए तो आपके लिए कैप्स लॉक कीज है कीबोर्ड में उसको ऑन करना होगा और ऑन करेंगे तो आपका इंडिकेटर है वो आपका ऑन ग्रीन हो जाएगा और वो आपको दिखाएगा। आप जितने फिर आप लिखेंगे तो आपका वो कैपिटल लेटर लिखाना स्टार्ट हो जाएगा यानी कि कैप्स लॉक का इस्तेमाल किया जाता है कैपिटल लेटर्स में लिखने के लिए। वी प्रेस द कैप्स लॉक कीज टू स्विच ऑन अ स्मॉल राइट साइड ग्लोज विच इंडिकेट्स द एवरीथिंग आफ्टर इट विल बी टाइप इन लेटर्स। कह रहा है कि जब कैप्स लॉक आप ऑन करेंगे तो आपका जो ऊपर में जो बटन होता है कीबोर्ड में वहां पे ग्रीन कलर का कलर आपको इंडिकेट्स करेगा आपका लेटर कैपिटल में टाइप होंगे। बैक स्पेस कीज दिस कीज यूज टू इरेज एनीथिंग दैट यू टाइप ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द कर्सर बाय सिंपली प्रेस द बैक स्पेस की वी कैन इरेज एवरीथिंग। कह रहा है कि बैक स्पेस का इस्तेमाल हम लेफ्ट साइड से लेटर्स को मिटाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे ए बी सी हम ये टाइप किया ना, यहां से ये कर्सर ब्लिंक कर रहा था तो ये वन वन लेटर जितनी बार आप प्रेस करेंगे बटन वो उतनी बार वो मिटाते जाएगा यानी कि रेज करने के लिए हम बैक स्पेस कीज का इस्तेमाल करते हैं। स्पेस बार कीज इट इज द लॉन्गेस्ट की ऑफ अ कीवर्ड इट इज यूज टू गिव द ब्लैंक स्पेस बिटवीन टू वर्ड्स। लेटर के बीच में आपका जो ब्लैंक स्पेस देना है तो हम लोग स्पेस कीज का इस्तेमाल करते हैं स्पेस कीज। और ये जो है आपका सबसे बड़ा कीज होता है, सबसे बड़ा कीज जो होता है आपका स्पेस बार कीज होता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे शिफ्ट कीज के बारे में। There are some keys on a keyboard with two different symbol mark on it. The upper symbol is called upper character and lower symbol is called lower character.
If you press shift keys along with the keys which has two different symbol than your upper character, it's display on the screen. For example, shift keys press along with one enter character mark, we can type capital letter using the shift keys. कह रहा है कि कभी का हम दे रहे स्मॉल लेटर्स में लिख रहा है, मान लेते हैं हम केवल वन अक्षर कैपिटल करना है तो हम शिफ्ट कीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। शिफ्ट कीज दबा करके आप कोई भी लेटर दबाएंगे, जैसे शिफ्ट कीज प्रेस करके कोई लेटर दबाएंगे तो वो स्मॉल नहीं कैपिटल लेटर में लिखाएगा। इंटर कीज और रिटर्न कीज, इंटर कीज इज यूज टू मूव द कर्सर टू अ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द नेक्स्ट लाइन, इट इज मार्क विद द साइन एरो। ये इस तरह का सिंबल है, ये इसको हम लोग इंटर कीज के नाम से जानते हैं और इसको रिटर्न कीज भी बोला जाता है। और जितने सारे जो स्टार्टिंग कर्सर के जो स्टार्टिंग पॉइंट होते हैं वहां से उसमें जितने जो नेक्स्ट लाइन तक मैटर होता है वो मिटा सकता है इंटर कीज के माध्यम से, या नेक्स्ट लाइन में लेकर के जा सकता है। इट इज नोन एज कमांड कीज, और इसको हम लोग कमांड कीज के भी नाम से जानते हैं। ऑल द इंस्ट्रक्शन आर कैरी आउट बाय द कंप्यूटर व्हेन द इंटर कीज इज प्रेस, और इंटर कीज प्रेस करने के बाद जो इंस्ट्रक्शन है उसको कैरी किया जा सकता है। इसके बाद हम लोग जानेंगे डिलीट कीज के माध्यम से। तो डिलीट मतलब मिटाना होता है, यानी कि डिलीट कीज नाम इसलिए उसका काम ही क्या है, डिलीट करना है। एनीथिंग दैट इज टाइप ऑन अ राइट साइड द कर्सर इज इरेस्ड यूज्ड इन डिलीट कीज। डिलीट कीज के माध्यम से हम लोग जो राइट साइड से डिलीट करने का कार्य करते हैं, लेकिन बैक स्पेस की से क्या था, वो लेफ्ट साइड से डिलीट करता था, लेकिन जो डिलीट कीज है आपका वो हम लोग राइट साइड से डिलीट करें। सपोज यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है रमेश, तो बैक स्पेस की से क्या होता है, यो लेफ्ट साइड से एक अक्षर को डिलीट करता है, बट जो डेल बटन है आपका डिलीट बटन है वो राइट साइड से वन अक्षर को डिलीट करता है, यही अंतर है। इसके बाद हम लोग जानेंगे फंक्शन की के बारे में। द कीज मार्क विथ F1, F2 अप टू F12 आर कॉल्ड फंक्शन कीज। दीज कीज आर ऑल्सो यूज एज अ शॉर्टकट कीज एंड परफॉर्म अ स्पेशल फंक्शन। For example, F5 is used to refresh the page. कह रहा कि जो आपका कीबोर्ड के ऊपर में आप देखे होंगे F1, F2, F3, F4 यानी F12 तक, F12 आपका जो होता है वो फंक्शन की होता है और हर एक कीज का अलग इस्तेमाल किया जाता है, शॉर्टकट बनाया जाता है। जैसे आपका बुक में दिया एग्जाम्पल के तौर पे कि जो आपका F5 है वो इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर को रिफ्रेश करने के लिए, रिफ्रेश करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं पेज को रिफ्रेश करने के लिए F5 का इस्तेमाल करते हैं। वो फंक्शन की होता है आपका F12 होता है और हर एक फंक्शन की का अलग अलग कार्य होता है। जैसे आपका F1 दबाएंगे तो आपका हेल्प मेन्यू खुलेगा, F2 से क्या होता है कोई चीज आपका रिनेम होता है, कोई फाइल फोल्डर रिनेम किया जाता है, और अल्ट प्लस F4 ये दबाएंगे तो आपका टर्न ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर बंद करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है अल्ट और F4। तो इस तरह से हर एक फंक्शन की इसका अलग अलग वर्क होता है। कीबोर्ड शुड बी हैंडल विद द प्रोपर केयर एज इट एन इंट्रीगल पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर। डू रिमेम्बर द फ्लोविंग टिप्स वाइल यूजिंग अ कीबोर्ड, वी शुड नॉट प्रेस द कीबोर्ड टू हार्ड, वी शुड नॉट पुल और पुश द कीबोर्ड हार्शली। अब कीबोर्ड सर किस तरह से हम उसका इस्तेमाल करेंगे उसके बारे में कुछ टिप्स दिए हुए हैं। वी शुड कीप नॉट एनीथिंग ऑन अ कीबोर्ड वाइल टाइपिंग, वी शुड प्रेस द कीज जेंटली एंड रिमूव आवर फिंगर क्विकली, अदरवाइज सेम लेटर इज टैप अगेन। कह रहे कीबोर्ड इस्तेमाल करेंगे, कह रहे कि हम कीबोर्ड को सावधानी पूर्वक दबाएंगे, ज्यादा जोर से प्रेस नहीं करेंगे और ज्यादा देर तक भी नहीं दबाएंगे। अगर ज्यादा देर तक एक ही बटन को प्रेस करेंगे तो आपका वो लेटर और
वो ओवरराइट हो जाएंगे, दोबारा टाइप हो जाएगा अगर देर तक प्रेस करेंगे। तो आपको हल्का प्रेस करना है, ज्यादा देर तक प्रेस नहीं करना है, प्रेस करने के बाद फिंगर को हटा लेना है। तो ये हम लोग पढ़ रहे हैं कीबोर्ड के बारे में। चलिए इसके क्वेश्चन आंसर कुछ डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं एमसीक्यूज। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी नंबर्स कीज आर सी ऑन अ कीबोर्ड। करें कीबोर्ड पे कितने नंबर्स की होते हैं। तो नंबर्स का पहले आपको बताया कि 02 आपका 9 आपका नंबर की होता है। तो अगर 0 को इंक्लूड करेंगे तो आपका 01 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये आपका टोटल कितना हो जाएगा 10 आपका जो हो जाएगा नंबर की। तो सी ऑप्शन में आपका हो जाएगा, सी ऑप्शन में आपका 10। विच वन ऑफ फ्लोविंग कीज डिलीट अ कैरेक्टर बिफोर द कर्सर। एरो कीज, स्पेस बार की, डिलीट कीज, बैक स्पेस की। करेक्ट, इनमें से कौन सा कीज है जो कि डिलीट करता है बिफोर द कर्सर, कर्सर के पहले डिलीट करता है, कर्सर के पहले डिलीट करेगा। तो हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, बैक स्पेस कीज का, सॉरी बैक स्पेस कीज में, बैक स्पेस आप लेफ्ट साइड से डिलीट करता है, वो लेफ्ट साइड से डिलीट करता है। तो कर्सर यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है, तो पहले का जो आपका लेटर होगा तो उसको डिलीट करने में किसका इस्तेमाल करें, डिलीट कीज का। देयर आर डैश फंक्शन कीज ऑन अ कीबोर्ड। करा कि फंक्शन कीज आपका कीबोर्ड पर कितना होता है, तो आपका 12 होता है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स देखेंगे, द की मार्क विद द नंबर 0 to 9 आर कॉल्ड। जो कीज आपका कीबोर्ड पे मार्क किया हो गया 0 to 9, उसको क्या बोलते हैं, नंबर कीज बोलते हैं। डैश कीज आर यूज्ड टू मूव कर्सर ऑन द स्क्रीन। कर्सर को मूव करने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, एरोस कीज का इस्तेमाल करेंगे। द कीज मार्क विद F1, F2, F3 आर कॉल्ड डैश कीज। F1, F2, F12 तक हम लोग किसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फंक्शन की के नाम से जानते हैं, तो फंक्शन कीज हो जाएगा। टू यूज न्यूमेरिक कीज कीपैड डैश कीज शुड बी ऑन। तो न्यूमेरिक कीज को ऑन करने के लिए हम लोग नम लॉक का इस्तेमाल करते हैं, तो नम लॉक हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन आंसर टिक द करेक्ट ये सारा आपको नोट्स के थ्रू प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।